वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है तुहाडा साडे YouTube चैनल बाणी टीवी ते। उम्मीद करदी हां सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे। सो अज असीं चले सां गुरद्वारा श्री बंगला साहिब, जो कि दिल्ली विच स्थित है। गुरद्वारा बंगला साहिब अठवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी ने अपने चरण पाए। आपां अरदास विच वी डेली आपां अरदास विच श्रवण भी करने हाँ। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। सो चलने आपां गुरद्वारा बंगला साहिब, तुहानूं दर्शन करवावांगे। सो नाल नाल आपां इतिहास बारे भी जानकारी लै लईए। सो अठवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी का प्रकाश 7 जुलाई 1656 विच कीरतपुर साहिब विखे होया। सो कीरतपुर साहिब तो महाराज जी दिल्ली वल गए। पहला पड़ा आप जी ने कीरतपुर तो चल के रोपड़ वल किया, फिर कुराली, फिर खरड़, बनूड़ पड़ा करते हुए पंजोखरा साहिब पुजे। सो पंजोखरा साहिब दे इतिहास बारे जे तुसी जानकारी चाहुंदे हो तां साडे डिस्क्रिप्शन विच लिंक दित्ता होया। सो गुरद्वारा साहिब दे भी दर्शन होणगे ते उहदे इतिहास बारे भी जानकारी मिलेगी। सो जिस जगह गुरु हरकृष्ण जी नूं ठहराया गया वह मिर्जा राजा जय सिंह दा बंगला सी। कवि गुलाब सिंह जी ने गुरु प्रणाली विच इस थां बारे लिखिया है कि जद दिल्ली गुरु जी गए तां शहर तों 2 मील बाहर दक्खण वल जय सिंहपुरा नां दी बस्ती बंगला साहिब टिके। इत्थे ही गुरु हरगोबिंद जी जद ग्वालियर तों 52 राजिआं नूं बंद खलास करा के लियाए सी तां इत्थे ही ठहरे सन। ये थां दिल्ली वालिआं दे कहिण मुताबक 6वीं पातशाही दे डेरे लई राजा जय सिंह ने दित्ती सी। गुरु जी गरीब निवाज हन, दुख ते दोख विनाश कर रहे हन ते सब तो वड्डी गल इन्हां दी नज़र विच अमीर गरीब राजा रंग इक्को जे सन। श्री गुरु पंथ प्रकाश दे लिखे अनुसार दिल्ली नूं उन्हां दिनां विच इक बड़ी ही अजीब बीमारी ने ग्रसिया होया सी। कहा जाता है कि सूई वांग पहला चोभ हुंदी सी, फिर सारे पिंडे ते सूईयां चुभदियां लगदियां सी ते फिर बहुत तेज़ बुखार चढ़दा ते मौत हो जाती। एक दिन विच हजारा मरन लगे, कई इलाज उपराले होए पर ठल पैंदी नहीं सी। गुरु जी ने यह दुर्दशा सुन देख दिल्ली दे गली मुहल्लियां विच जाना आरंभ किया। मुरदिया नूं ठिकाणे लगाउण दे प्रबंध किते। जो इस बीमारी की पकड़ च सन उन्हां ते मेहर भरी नज़र कीती ते अरोग किते। यह देख के कि गलियां विचों लंघना भी मुश्किल हो जाता है, आप जी ने झरोखे विच बैठे दर्शन देंदे ते डिठै सब दुख जांदे। जो कोई सुनदा भज्जिया हुंदा, श्रद्धालुआं ने च बच्चा भी बना दिता कि हर कोई दुखी कुरलांदा चरना अमृत लै के जाए। लंगर भी लगा दिते तां कि छकै गरीब फकीर अपारै। लोकी जीवन दात लै मुड़दे जा इतिहास विच यह भी लिखा है कि जो महाराज जी कीरतपुर साहब तो दिल्ली वाल चले सन तो उन्होंने वचन किए सन कि असी औरंगजेब नूं दर्शन नहीं देंगे। सो इदा ही होया। औरंगजेब ने बड़िया कोशिशां कीतियां कि महाराज के दर्शन किए जान, बहुत साजिशां भी कीतियां पर वह असफल रहा ते महाराज जी अपने वचन ते अटल रहे। जद गुरु हर राय जी ज्योति जो समाए तो गुरु तेग बहादुर जी पूर्व की यात्रा ते सी ते जद उन्हां नूं खबर गई ते पता लगा कि गुरु हर कृष्ण जी दिल्ली ने तो गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली वाले चल पे। टिकाणा पहला धर्मशाला भाई कल्याण जी कीता ते उत्थों बंगला साहिब पुजे। 3 दिन गुरु साहिब बंगला साहिब रहे।
ਪੱਟ ਵਹੀ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੇਲ 21 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਖੀ 21 ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। Thank you.
ਕਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ लो जी असी तो बहुत वधिया दर्शन किए ने। उम्मीद करती हूँ कि तुसी सारे ने भी दर्शन किए होने ने। सो तुहानू साडी वीडियो कहो जी लगी कमेंट विच वाहिगुरु जी जरूर लिखियो ते साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लवो जी तां जो होर वीडियो तुहाडे तक पहुँच सकन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।